नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो इंजन में पावर जनरेट हुआ था उसको ट्रैक्टर के पीछे वाले टायरों तक पहुंचाने के लिए जो एक पूरा एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक इंजन के बारे में समझना जरूरी है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें अपन ने इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की जो हेडिंग रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे अपन जो बेसिक बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? वो बात करेंगे अपने ट्रैक्टर के बारे में। तो अपन ने मान लिया ये आपका क्या है? ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर में यहाँ पे क्या है? पीछे वाले टायर लगे हुए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर में क्या लगा हुआ है? इंजन लगा हुआ। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो ट्रैक्टर में जो पावर जनरेट होती है, यानी फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो हीट होती है, उस हीट की वजह से जो मोशन एनर्जी जनरेट होती है, जो रोटेशन एनर्जी जनरेट होती है, उस रोटेशन वाली पावर को इंजन से कहां तक पहुंचाना है? पीछे वाले टायरों तक, या ट्रैक्टर के पीछे वाले टायरों तक पहुंचाना है। इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी पावर के सोर्स से पावर के रिसीवर तक पावर को पहुंचाना क्या कहलाएगा? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी अपन बोल सकते हैं कि कहां से कहां तक पहुंचाना है आपको? इंजन से पहुंचाना है। और कहां तक पहुंचाना है? ट्रैक्टर के पीछे वाले टायरों की तक या रियर व्हील तक। ठीक है, अब देखो, रियर व्हील तक आपको पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? जो ट्रैक्टर के इंजन में पावर जनरेट हुई थी उस पावर को पहुंचाना है। तो इस पावर को पहुंचाने के लिए इसके बीच में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। उन सभी कंपोनेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेनली कंपोनेंट होते हैं इन सबके बीच में। तो देखो, सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ये होता है कि कुछ कंपोनेंट की हेल्प से, या एक सिक्वेंस या एक चैन ऑफ कंपोनेंट की हेल्प से, जो इंजन में पावर जनरेट हुई थी आपकी, उस पावर को आपके ट्रैक्टर के पीछे वाले टायरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। अब इस ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रैक्टर में कौन कौन सी चीजें काम आती है, कौन कौन सी चीजें वर्क करती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले अपन बात करें तो क्या आती है? क्लच हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपके क्या हो गया? गियर बॉक्स हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं गियर बॉक्स के अलावा, तो आपके आ गया डिफरेंशियल आ गया। डिफरेंशियल के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके आता है जो फाइनल ड्राइव, जो सबसे लास्ट में आता है, फाइनल ड्राइव। और फाइनल ड्राइव के अलावा भी अगर अपन कुछ माइनर चीजों की बात करें तो इसके लिए आता है, फाइनल ड्राइव से आगे आता है रियर एक्सिल, ठीक है। या इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रियर व्हील, जो पीछे वाले टायर होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्लच आ गया, फिर गियर बॉक्स आ गया, फिर डिफरेंशियल आ गया, फाइनल ड्राइव आ गया, रियर एक्सिल और व्हील। तो व्हील के बारे में और रियर एक्सिल के बारे में तो अपन बात करेंगे नहीं। आपकी ये जो बेसिक चार कंपोनेंट, आप सिलेबस में भी चार ही कंपोनेंट दे रखे हैं, और मेन चार कंपोनेंट होता है एक्सिल, तो फाइनल ड्राइव और व्हील के बीच का काम करता है, तो यहाँ पे इसका ज्यादा वर्क नहीं है। मेन वर्क है इन चार कंपोनेंट का। इन चार कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों कंपोनेंट जो इंजन में पावर जनरेट हुई थी, इंजन में जो एनर्जी जनरेट हुई थी, उसको पीछे वाले टायर तक या ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक नया नाम और निकल कर आता है। देखो, इस इंजन से पावर कहाँ पहुंचाई जा रही है? पीछे वाले व्हील तक, पीछे वाले टायरों तक। और पीछे वाले टायरों तक इस पावर को पहुंचाने की जो सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम में ये चार कंपोनेंट आते हैं। इन चारों कंपोनेंट की एक सीक्वेंस या चेन को मिलाकर अपन पूरा बोल देते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम।
लेकिन इस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है पावर ट्रेन। तो जरूरी नहीं है आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ही आए, यहां पे ये भी आ सकता है पावर ट्रेन। किसे कहते हैं? पावर ट्रेन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का ही दूसरा नाम है। यानी इस सभी कंपोनेंट को मिलाकर या इस पूरी ट्रांसमिशन प्रोसेस को पावर ट्रेन भी कहा जा सकता है। अब देखो, इस ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है, ये आपको सबको पता है। इंजन में पावर जनरेट हो गई है, लेकिन क्या ये पावर अपने किसी काम आई? नहीं आई। तो इस पावर को यहां से अपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम की वजह से कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो इस ट्रांसमिट सिस्टम को पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, एक क्वेश्चन आता है, बेस्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? बेस्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है बेल्ट एंड पुली। क्या आती है? बेल्ट और पुली आती है बेस्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। यानी एक पुली होती है, यहां से क्या होती है, पावर को किसी सोर्स तक पहुंचाना है, दोनों के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बेल्ट लगा दिया। बेल्ट से क्या होगी, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगी। जैसे अपन ने घर में देखा होगा जो मशीनें चलती है या फिर जो आटे वाली चक्की चलती है, वहां पे क्या होगा, एक तो आपके क्या होगी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, दूसरा क्या होता है चक्की होती है, दोनों के बीच में क्या होता है एक बेल्ट लगा होता है। कि बेल्ट एंड पुली सिस्टम सबसे बेस्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की कैटेगरी में आता है। लेकिन अपन यहाँ पे अभी इन चारों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले लेते हैं क्लच के बारे में। क्लच क्या होती है? अब देखो, क्लच के बारे में सभी लोग जानते हैं, जब भी अपन गियर शिफ्ट करते हैं, गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो उस टाइम पे क्लच का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है? तो क्लच की यूज क्या है सबसे पहले अपन ये देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्लच के टाइप क्या है। बाकी सब चीजें तो छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो, क्लच की बात कर रहे हैं तो क्लच का मेन पर्पज क्या है, क्लच क्या करता है? देखो, आपका ये इंजन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पीछे वाला टायर अपन ने मान लिया। इनके बीच में ये चारों कंपोनेंट लगे हुए हैं जो अपन ने अभी स्टडी की थी। क्लच हो गया आपका, इसके अलावा गियर बॉक्स हो गया आपका, इसके अलावा आपके डिफरेंशियल हो गया और फाइनल ड्राइव हो गया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लच। क्लच क्या करता है, आपने देखा होगा जैसे आपने ट्रैक्टर की क्लच दबाई, उसके बाद में अगर ट्रैक्टर में गियर भी डला हुआ है तो ट्रैक्टर आगे नहीं चलेगा। यानी क्लच क्या कर देता है, इन दोनों के बीच की जो पावर है, इस पावर को कट कर देता है। यानी अपन बोल सकते हैं गियर बॉक्स और ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर को इंजन से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का वर्क करता है। जैसे आपने क्लच दबाई, इसने क्या कर दिया, गियर बॉक्स और पीछे वाले टायर को फ्री कर दिया। अब वो इंजन में जो भी पावर है, इंजन देखो घूम रहा अभी भी, लेकिन पीछे वाले टायर नहीं चल रहे। रीजन क्या है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। जैसे आपने क्लच छोड़ी, वापस से चलने लग गया। तो मतलब ये क्या करता है, क्लच क्या करती है, आपके गियर बॉक्स और पीछे वाले टायरों को इंजन से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का वर्क करती है। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे इसी क्लच के सिस्टम में, तो देखो क्लच के सिस्टम में ये होता है कि आपको जब गियर चेंज करने होते हैं तब भी क्लच की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिना क्लच दबाए गियर चेंज किए, तो एक तो क्या होगा, इंजन से कंटिन्यू पावर आ रही है, दूसरा क्या हो रहा है, टायर भी घूम रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, टायर भी क्लच गियर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और वो भी प्रेशर लगाएगा। तो आप जैसे ही चेंज करोगे तो उसकी जो गिरारी आती है अंदर वाली, वो टूटने के ज्यादा चांसेज होते हैं। तो इनको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करो, फिर आराम से गियर चेंज कर लो। तो गियर चेंज करने के लिए भी एक सबसे अच्छा चीज है क्लच। तो क्लच का मेन वर्क क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू करती है, या फिर कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती है गियर बॉक्स और पीछे वाले रियर टायरों को इंजन से, ठीक है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड क्लच की, देखो एक तो इसकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए वर्क करने की, दूसरा और होता है कि क्लच को बार बार दबाने और छोड़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन में क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है। तो इसकी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये हाई हीटअप पर भी स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि हीट ज्यादा हुई तो इसमें कुछ वेरिएशन आ गया, कहीं बैंड हो गया। तो ये हाई हीट पर भी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो क्लच के टाइप की बात करते हैं। क्लच के टाइप की अपन बात करें तो क्लच मेनली तीन टाइप की
होती है। कौन कौन सी क्लच होती है? पहली आती है फ्रैक्शनल क्लच, दूसरी अपन बात करें तो डॉग टाइप क्लच आती है, और तीसरी बात करें तो अपनी आती है फ्लूड क्लच। ठीक है, अब देखो तीन टाइप की क्लच होगी। सबसे पहले फ्रैक्शनल क्लच होगी, डॉग क्लच होगी और फ्लूड क्लच होगी। जिसको फ्लूड क्लच ना बोल के कुछ लोग उसको कपलिंग भी बोलते हैं, फ्लूड कपलिंग भी कहा जाता है। तीनों टाइप की क्लच होती है। देखो फ्रैक्शनल क्लच तो अपने जो फोर व्हील ट्रैक्टर आता है इसमें ज्यादातर यूज होती है, लेकिन आज के टाइम पे जो फ्लूड कपलिंग या फ्लूड क्लच होती है ये भी उनमें यूज होने लग गई है। तो अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल क्लच मैक्सिमम यूज होती है, फोर व्हील के जो चार टायरों वाले ट्रैक्टर आते हैं उनमें ज्यादातर यूज होती है, और इसी के साथ साथ वहां पे फ्लूड क्लच भी यूज होती है। लेकिन जो डॉग क्लच होती है ये ज्यादातर पावर टीलर में यूज होती है। कहाँ यूज होती है? पावर टीलर में, यानी जो लो पावर जनरेट करने वाले होते हैं पावर टीलर, 5 HP, 7 HP, 3 HP, 10 HP वाले जो पावर टीलर होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। हेवी टास्क में फ्रैक्शनल क्लच का यूज किया जाता है। तो अपने मेन कौन सी क्लच हो गई? फ्रैक्शनल क्लच। और फ्रैक्शनल क्लच की बात करें तो फ्रैक्शनल क्लच भी तीन मेन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन मेन टाइप की होती है फ्रैक्शनल क्लच भी। एक तो होती है सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है, या सिंगल डिस्क क्लच भी बोलते हैं, प्लेट बोल लो या फिर डिस्क बोल लो। ठीक है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। सेकंड वाली आती है मल्टीपल क्लच या मल्टीपल प्लेट क्लच या फिर मल्टीपल डिस्क क्लच, यानी यहां पे सिंगल डिस्क आएगी, ये मल्टीपल आएगी। और एक तीसरी क्या होती है? कप शेप होती है, कपलिंग टाइप की होती है, वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो मेन बेसिक दो ही होती है, सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट। थर्ड तो क्या होती है? एक कपलिंग टाइप की होती है, थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन बेसिक क्लच का क्लासिफिकेशन हो गया, फ्रैक्शनल क्लच, डॉग क्लच और फ्लूड क्लच। फ्रैक्शनल क्लच सबसे ज्यादा यूज होती है फोर व्हील ट्रैक्टर में, और तीन टाइप की होती है, सिंगल, मल्टीपल और कपलिंग टाइप की या कप शेप टाइप की क्लच होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्लच के अलावा सेकेंड सिस्टम की, तो सेकेंड सिस्टम आता है गियर बॉक्स। अब देखो गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो गियर बॉक्स के बारे में तो सब जानते ही होंगे। गियर बॉक्स का मेन वर्क क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है? तो यहां पे देखो मेन जो सिस्टम था क्लच का था, इसके अलावा बाकी इतने बड़े नहीं है। तो अगर अपन बात करें, क्लच अपन ने पढ़ ही लिया है। सेकंड अगर अपन बात करें तो गियर बॉक्स की बात हो रही है। देखो गियर बॉक्स में क्या होते हैं, अलग अलग गियर होते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया, रियर गियर हो गया। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के गियर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या रियर गियर जो भी है। ठीक है, आजकल थोड़ा अलग टाइप हो गया, दो गियर आते हैं, एक होता है आपका हाई का, एक होता है स्लोअर वन का, और एक होता है रिवर्स का। दूसरे वाले गियर सिस्टम में आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के गियर आते हैं। हर एक गियर का मतलब क्या होता है, स्पीड से लिया जाता है। देखो इंजन एक कांस्टेंट पावर रिलीज कर रहा है एक फिक्स स्पीड पर, लेकिन उस फिक्स स्पीड को टायरों तक कितना पहुंचाना है ये सब गियर बॉक्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर आपने फर्स्ट गियर लगा रखा है तो पावर क्या होगी, कम पहुंचाई जाएगी या स्पीड ट्रैक्टर की कम रहेगी। सेकेंड लगा रखा तो उससे ज्यादा, थर्ड लगा रखा उससे ज्यादा, फोर्थ लगा रखा उससे ज्यादा, और ब्रेक लगा रखा है तो ट्रैक्टर जस्ट रिवर्स पोजीशन में यानी पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। अब देखो इन गियर का सिस्टम होता है, ये गियर का सिस्टम पावर को डिलीवरी से रिलेटेड होता है या पावर ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होता है कि इंजन अपनी फिक्स स्पीड पे जा रहा है, फिक्स आरपीएम पे चल रहा है, तो इंजन तो पावर फिक्स दे रहा है, लेकिन जो आपकी स्पीड कंट्रोल की जाएगी वो आपके स्पीड लीवर और जो गियर बॉक्स होता है इससे कंट्रोल की जाएगी। फर्स्ट गियर में धीरे, सेकंड में तेज, और तेज भगाना थर्ड, फिर और तेज भगाना फोर। तो आपका पर्पज क्या है, उस पर्पज के बेसिस पे आपको गियर डाले जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कल्टीवेशन में, तो कल्टीवेशन में कुछ ट्रैक्टर होते हैं वो सेकंड गियर में भी चल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गियर क्या होते हैं, थर्ड गियर में चलते हैं हाई के साथ। तो ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती है कि आपके लिए ऑप्टिमाइज स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे नॉर्मल ट्रैक्टर चला रहे हो तो वहां पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन वहीं पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको पावर तो ज्यादा चाहिए लेकिन ट्रैक्टर की स्पीड कम चाहिए। तो ये सारे गेयर बॉक्स के द्वारा
कंट्रोल की जाती है। तो पावर ऑप्टिमाइजेशन का वर्क यहां पे होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या होता है? देखो डिफरेंशियल का वर्क क्या होता है, अपन बात करते हैं, देखो ट्रैक्टर का यहां पे ये देखो ये पीछे वाले दोनों टायर लगे होते हैं, इन दोनों टायर के बीच में यहां पे देखो इस टाइप से यहां पे इंजन लगा हुआ है, इंजन से पावर यहां जाएगी, यहां से इन दोनों टायरों में जाएगी, इसी टाइप से जाती है। अब यहां पे क्या होता है, दो पार्ट में ट्रैक्टर को डिवाइड किया जाता है और यहां पे क्या होता है डिफरेंशियल लगे हुए होते हैं। अब ये डिफरेंशियल क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल का एक स्पेसिफिक वर्क है। आप जितने भी ट्रैक्टर देखते हो उन ट्रैक्टरों में आपने एक बार देखा होगा कि जैसे आपने कल्टीवेशन वर्क कर रहे हो और ट्रैक्टर इधर से इधर जा रहा है, क्या वो करेगा, इधर वाला इनसाइड टायर का क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा और ट्रैक्टर को एक ही जगह घुमाकर वापस ले आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने का ट्रैक्टर ऐसे जा रहा था, जाके क्या हुआ ऐसे घुमा, तो बार वाला टायर है देखो अंदर वाला जो टायर था ये तो क्या हुआ कम घुमा, लेकिन जो बार वाला टायर था ये ज्यादा घूम रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर तो इक्वल आ रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, घूमेंगे तो दोनों टायर इक्वल घूमेंगे, नहीं तो नहीं घूमेंगे। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है ये कंट्रोल डिफरेंशियल सिस्टम से किया जाता है। डिफरेंशियल सिस्टम क्या बताता है कि आपके पीछे वाले दोनों टायरों में पावर तो एक इंजन से जा रही है तो स्पीड तो एक ही रहेगी, लेकिन डिफरेंशियल सिस्टम इस चीज को कंट्रोल करता है कि आपके एक टायर को दूसरे टायर से धीरे घुमाना है या फिर तेज घुमाना। अपन बोल सकते हैं अंदर वाले टायर को बाहर वाले से धीरे घुमाना, ऐसे बाहर वाले टायर को अंदर वाले से तेज घुमाना। तो डिफरेंशियल सिस्टम एक ट्रैक्टर के एक टायर को दूसरे टायर से उसकी स्पीड को अलग रखने में हेल्प करता है, जिससे क्या हो, आप जैसे जो सर्कल लेते हो, राउंड सर्कल लेते हो, यू टर्न लेते हो, उस सिचुएशन में डिफरेंशियल मैन वर्क करता है, जो क्या कर देता है आपके एक ट्रैक्टर के टायर को क्या कर देता है स्पीड कम कर देता है और दूसरे को बढ़ा देता है, जिससे आप एक ही जगह क्या हो राउंड मार लो। एक ही जगह आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं एक पॉइंट के चारों तरफ बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इससे क्या होगा अंदर वाला जो टायर है वो तो देखो कम घूम रहा है। अब जैसे ये वाला ट्रैक्टर का अंदर टायर हो गया, ये बाहर हो गया, देखो बाहर वाला ज्यादा घूम रहा है, अंदर वाला तो क्या हो रहा है एक ही जगह घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर वाले को ज्यादा स्पीड में चलना है, अंदर वाले को कम स्पीड में चलना है। तो दोनों टायरों की अलग अलग स्पीड मेंटेन की जाती है डिफरेंशियल सिस्टम से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिफरेंशियल सिस्टम के अलावा, जो इसी का एक पार्ट आता है डिफरेंशियल लॉक। ठीक है, डिफरेंशियल लॉक क्या होता है, ये एक लॉक लग जाता है डिफरेंशियल सिस्टम के, जिससे क्या होंगे दोनों टायर इक्वल स्पीड में घूमेंगे। जैसे आपका ये ट्रैक्टर है, अब ये ट्रैक्टर मड में फंस गया, कहीं पे कीचड़ में फंस गया। अब इस सिचुएशन में अगर एक टायर ज्यादा राउंड लगाएगा और एक टायर कम स्पीड में घूमेगा तो ट्रैक्टर का लोड एक तरफ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों टायरों को एक साथ घुमाना है, दोनों टायरों को इक्वल घुमाना है, इक्वल प्रेशर लगाना है। उस सिचुएशन में आप डिफरेंशियल लॉक को ऑन कर लोगे और डिफरेंशियल लॉक को ऑन करने के बाद में, आजकल तो ऑटो ऑन भी हो जाते हैं, तो ऑन करने के बाद में क्या होगा, ट्रैक्टर अपने आप ही दोनों टायरों के बराबर राउंड लेगा, जिससे क्या हो वो उस मड से उस कीचड़ से बाहर आ जाए। तो दोनों को इक्वल घुमाने के लिए डिफरेंशियल लॉक का यूज किया जाता है और दोनों को अलग अलग स्पीड में घुमाने के लिए डिफरेंशियल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और जो लास्ट फाइनल है आपका वो आता है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव इस पावर ट्रेन सिस्टम का एंड पॉइंट होता है या एंड कंपोनेंट होता है। अब पावर ट्रेन के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा ही, पावर ट्रेन किसको बोलते हैं, आपके पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, पावर ट्रेन सिस्टम है। अब देखो फाइनल ड्राइव क्या करता है, आपकी इस डिफरेंशियल से जो पावर जनरेट हुई है, यानी आपकी इस डिफरेंशियल से जो पावर मिली है, इस पावर को कहां पहुंचा देगा, पीछे वाले टायर तक पहुंचाने का काम करता है। तो फाइनल ड्राइव क्या करेगा, फाइनल पावर को पीछे वाले टायर तक पहुंचाने का काम करेगा डिफरेंशियल से। अब देखो यहां पे फिर से अगर अपन एक बार रिकैप करें तो सबसे पहले क्लच आती है, जो क्या कर देती है, पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है, किससे, इंजन की पावर को गियर बॉक्स और पीछे वाले टायरों से। और गुड क्लच की जो हीट कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। जो क्लच थी तीन टाइप की पड़ी थी अपने, फ्रैक्शनल क्लच पड़ी थी, डॉग क्लच पड़ी थी और फ्लूड क्लच पड़ी थी। गियर बॉक्स क्या होते हैं, स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ज्यादा तेज भगाना, कम तेज भगाना, जिस स्पीड से, जिस पर्पज के लिए आप वर्क कर रहे हो
उस पर्पज के हिसाब से स्पीड को मेंटेन करता है। डिफरेंशियल सिस्टम क्या करता है, ट्रैक्टर के एक टायर को तेज और दूसरे टायर को धीरे घुमाता है, या एक टायर की स्पीड दूसरे टायर से डिफरेंट रखता है। वहीं पे डिफरेंशियल लॉक इसका जस्ट अपोजिट है, ये क्या करता है दोनों टायरों को इक्वल स्पीड में घुमाता है। और फाइनल ड्राइव क्या करता है, इस डिफरेंशियल से पावर को टायर तक या पिछले टायर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये चार कंपोनेंट हो गए, इन चारों कंपोनेंट के एक सीरीज में जुड़ने की वजह से क्या होगी, पावर कहां से इंजन से कहां पहुंच जाएगी, पीछे वाले टायरों तक। कहां से स्टार्ट हुई थी पावर, इंजन से स्टार्ट हुई थी, और कहां तक पहुंच गई, पीछे वाले ट्रैक्टर के टायर तक पहुंच गई। इस कंप्लीट सिस्टम को अपन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रेन सिस्टम कहते हैं। आज की वीडियो को अपन यहीं तक रखने वाले हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो आपको तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।